कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, वो निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी अपराधियों की साजिश, अपराधियों की। जब वो हमारे साथ रेप कर रहा था तो हमने इसका विरोध किया, हमारे पापा चले गए, वो देखो करवा। कहते हैं बलात्कारियों का कोई धर्म, जाति या डेजिग्नेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो सीन थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, यहाँ पे पुलिस और सरकार विधायकों को थोड़ा सा डिस्काउंट देती है अगर वो बलात्कार के आरोपी हैं तो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव गैंगरेप केस की, जिसमें पीड़िता के मुताबिक 4 जून 2017 को भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने मिलकर इस लड़की का बलात्कार किया और पिछले 11 महीनों से पुलिस और सरकार उन्नाव से लखनऊ, लखनऊ से उन्नाव भागदौड़ कर रही है, लेकिन उनके हाथ अभी तक कुछ नहीं आया। गैंगरेप के आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का स्वैग देखने लायक है। लड़की का दावा है कि 4 जून 2017 को उसके साथ कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों ने बलात्कार किया, लेकिन लड़की दावा करती है तो करती रहे। विधायक जी तो कल भी आज़ाद थे और आज भी आज़ाद हैं। हंसते मुस्कुराते विधायक जी की गिरफ्तारी तो दूर की बात, अभी तक उनसे पूछताछ तक नहीं हुई। चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है, कल भी मस्त थे और आज भी मस्त हैं। पीड़िता के पिता का यह आखिरी वीडियो सामने आने के बाद और पीड़िता के चाचा के साथ कुलदीप सिंह सेंगर की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद इस केस की कई परतें खुल गई हैं। तुम हमारे छोटे भाई हो, तुम आगे बढ़ो, हमने यही चीज तुमसे कही थी ना जी, और आप हमारे पास आइए और घर में सब सदस्यों से कह दीजिए जी जो हुआ वो खत्म जी, हमारा तुम्हारा है, और तुम हमारे पास आइए, हम तुम मिलके एक नया अध्याय शुरू करते हैं। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पुराने बही खाते का हिसाब कौन देगा? एक लड़की से बलात्कार और उसके पिता की मौत का हिसाब कौन देगा? 11 महीने तक सरकार और कानून को गुमराह करने का हिसाब कौन देगा? हमारे पापा चले गए, वो देखो कर। एक पीड़िता जो 11 महीने से सरकार से गुहार लगा रही है इंसाफ की, जिसका पिता पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, सोचिए उस परिवार पे, उस पीड़िता पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर दबाव बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर सलाखों के पीछे होते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये पोस्टर आपको कहीं भी लिखा हुआ या दिखा हुआ मिलता है तो इसको फाड़ दीजिए, इसके ऊपर कुछ पोत दीजिए, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है।